हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जिस स्टॉक की बात कर रहे हैं उस स्टॉक का नाम है वैक्स टैक्स कोट फैब लिमिटेड कंपनी। ये देखिए, ये 13 मई 2022 को 15.82 रुपये के ऊपर ट्रेड करने लग रहा था और अभी इसका जो प्राइस है वो 2.30 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है, यानी कि एक साल के अंदर ये लगभग 79% करेक्ट हो चुका है। और ये जो स्टॉक है ये एक बिल्कुल एक डेट फ्री कंपनी है। ये जो कंपनी है इसको 2005 में बनाया गया था और ये जो कंपनी है ये जो शर्टिंग और जो शूटिंग कपड़े होते हैं उनको बनाने का काम करती है और उनको बेचने का काम करती है, यानी कि सिंपल भाषा में कहे तो ये कपड़ों को बनाती भी है और उनको बेचने का काम भी करती है। ये जो कंपनी है ये जो इंटरनेशनल ब्रांड होते हैं उनके लिए कपड़े बनाने का काम करती है, जो एक्सपोर्ट हाउस होते हैं उनके लिए कपड़े बनाने का काम करती है, जो कॉरपोरेट बायर्स होते हैं उनके लिए कपड़े बनाने का काम करती है, और जो डोमेस्टिक ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए कपड़े बनाने का काम करती है, और जो होलसेलर होते हैं और जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं उनके लिए ये कपड़े बनाने का काम ये कंपनी करती है। तो इसका जो प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है ये डेनिम फैब्रिक बनाने का काम करती है, होम टेक्सटाइल्स बनाने का काम करती है, जींस बनाने का काम करती है, जो मैन कैजुअल शर्ट होती है उनको बनाने का काम करती है, प्रिंटेड फैब्रिक होता है उसको बनाने का काम करती है, और जो यार्न होता है ये उसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। इसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले जो कपड़े हैं वो पोपलिन हो गया, ऑक्सफोर्ड हो गया, ट्विल हो गया, कॉर्डरॉय हो गया, सैटिन हो गया और डबी हो गया, तो ये इन कपड़ों का ये यूज करती है। और ये जो कंपनी है इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो अहमदाबाद में स्थित है और इसकी जो कैपेसिटी है वो 12 लाख मीटर पर मंथ के हिसाब से शर्टिंग और जो शूटिंग बनाने की कैपेसिटी है इस कंपनी की। इसकी जो मार्केट कैप है वो 13 करोड़ की है। इसका जो बानवी काई है वो 14.60 रुपये है और जो लो है वो 2.30 रुपये है, यानी कि अब अपने ये लो के आसपास ही ट्रेड करने लग रहा है। और इसकी जो बुक वैल्यू है वो 1.24 रुपये है और इसके ऊपर अगर आप डेट ऑफ इक्विटी देखोगे तो 0.22% है, यानी कि एक बिल्कुल एक नाम मात्र का कर्जा इस कंपनी के ऊपर। और इसमें जो प्रमोटर है उनकी कोई भी होल्डिंग प्लेज नहीं है। और इसके ऊपर जो करंट लाइबिलिटीज हैं वो 40.60 करोड़ की है और इसकी जो टोटल एसेट है वो 69.50 करोड़ की है। और अगर आप इस स्टॉक में एक महीने की वॉल्यूम देखोगे तो इस स्टॉक में 2,51,794 शेयर की जो क्वांटिटी है वो ट्रेड हुई है, यानी कि वॉल्यूम के हिसाब से ये जो स्टॉक है काफ़ी अच्छा है, इसमें काफ़ी अच्छी वॉल्यूम रहती है। और ये देखिए, अगर आप इसकी सेल्स देखोगे तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर में इसने 11.39 करोड़ की सेल्स की है, मार्च 2023 के क्वार्टर में इसने 16.57 करोड़ की सेल्स की है, और इसकी जो अदर इनकम है वो भी क्वार्टर वाइज 16 लाख की, 1.57 करोड़ की, 11 लाख की ऐसे हो जाती है। इसका जो नेट प्रॉफिट है वो भी 21 लाख का, 9 लाख का, 10 लाख का, 77 लाख का ऐसे हो जाता है। और अगर आप इसके ऊपर कर्जा देखोगे तो अभी इसके ऊपर केवल 5.20 करोड़ का कर्जा है, जहाँ पहले ये जो कर्जा है ज़्यादा होता था, 12.62 लाख का, फिर 10.30 लाख का, फिर 7.45 लाख का, अभी ये जो कर्जा है और भी कम हो गया है और 5.20 करोड़ का है केवल। और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो ये देखिए लगातार बढ़ने लग रही है, जहाँ पहले 2.63 करोड़ होती थी, फिर 2.85 करोड़ हुई, फिर बीच में 32 लाख की भी हुई और अभी 10.85 करोड़ की है। और इसकी जो शेयर कैपिटल है वो भी बढ़ने लग रही है, जहाँ पहले 6.2 करोड़ की होती थी, फिर 10.4 करोड़ की हुई, अभी 12.63 करोड़ की है, तो ये भी एक अच्छी बात है। और इसकी जो टोटल एसेट है वो भी काफ़ी अच्छी हो लगातार बढ़ने लग रही है, जहाँ पहले 21.69 करोड़ की होती थी, फिर बढ़ के 23.99 करोड़ की हुई और अभी मार्च 2023 के क्वार्टर में ये बढ़ के 69.48 करोड़ की हो गई है, यानी कि लगभग मार्च 2022 के क्वार्टर से ले मार्च 2023 के क्वार्टर तक ये जो इसकी जो टोटल एसेट है वो लगभग 3 गुना हो चुकी है। और अगर आप इसमें प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे तो इसमें जो प्रमोटर की होल्डिंग है वो 26.14% की इसमें बनी हुई है और जो FII की होल्डिंग है इसमें 0.02% की इसमें बनी हुई है। तो देखिए, अभी जो ये स्टॉक है 2.30 रुपये के ऊपर ये ट्रेड करने लग रहा है, ये जो स्टॉक अपने 92 किलो के आसपास ही ट्रेड करने लग रहा है। इसके जो एडवांटेज वो ये हैं, इसकी जो टोटल एसेट है वो लगातार बढ़ने लग रही है और बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, और इसकी जो रिजर्व कैपिटल है वो भी काफ़ी अच्छी है और लगातार ही बढ़ने लग रही है। और इस स्टॉक के ऊपर जो कर्जा है वो बिल्कुल ही नाममात्र का कर्जा है। तो देखिए, अगर आप इसको इसी प्राइस के ऊपर भी बाई करके अगर आप इसको 1 से 2 सालों तक भी होल्ड कर लेंगे तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे और कहीं ना कहीं ये जो स्टॉक है 10 रुपये को भी आसानी से क्रॉस करता हुआ दिखाई देगा।
और दोस्तों किसी भी पेनी स्टॉक में आप पैसा लगाते हैं तो अपना खुद का रिसर्च भी जरूर करें और अपने रिसर्च के आधार पर ही किसी भी पेनी स्टॉक में आप पैसा लगाएं। तो ये जो स्टॉक है लॉन्ग टर्म के हिसाब से और जो शॉर्ट टर्म है उसके हिसाब से काफ़ी एक अच्छा स्टॉक है। बस आपको इसको बाय करके थोड़े टाइम के लिए इसको आपको होल्ड करना पड़ेगा तो आपको इसमें बहुत ही अच्छे प्रॉफिट दिखाई देंगे। सो दोस्तों ऐसे पेनी स्टॉक के बारे में और अधिक जानने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।